आ तुसी तस्वीरां देख रहे हो, ये तस्वीरां उन्हां शहीदां दीआं ने जिन्हां ने दुनिया की सब तो असावी जंग लड़ी। ओ जंग जिहड़ी ना कदे पहला होई ते ना उस तों बाद विच होई। अज भी जेकर फ्रांस की गल करिए ते फ्रांस दे प्रायमरी स्कूल दे विच सारा गड़ी दी जंग, सिखां दी बहादुरी दी जंग नूं पढ़ाया जांदा है। कनेडा और अमरीका दे विच वड्डे वड्डे दिहाड़े मनाए जांदे ने। जदों 1897 की सारागढ़ी की जंग हुंदी है ते उस समय फिर सिखां दी बहादुरी तो प्रेरित हो के 1904 दे विच लगभग ये इमारत की बनाउण की स्कीम बनाई गई और पाईनार अखबार जो इलाहाबाद तो छपदा सी उहदे वल्लों अपने अखबार दे विच पूरे इंडिया तो चंदा मंगण की कवायद शुरू हुई। दो दो तीन तीन आने भी आम लोगों ने इस इमारत बनाउण दे विच अपना हिस्सा पाया और लगभग 27,118 रुपये उस समय दे इस इमारत बनाउण दा चंदा इकट्ठा होया। ये वो स्थान है जिहड़ा इत्थों सैकड़े किलोमीटर दूर अफगानिस्तान पाकिस्तान दी सरहद दे उपर लोकाट जिले दे विच सारागढ़ी दी जंग हुई उन्हां दी याद विच बने है। इको एक गुरद्वारा है जिहड़ा पंजाब सरकार दे अधीन है, इहदा प्रबंध पंजाब सरकार दे अधीन है। एक पासे लगभग 10 तों 12 हज़ार पठान अफगानी सैनिक ते दूजे पासे केवल 21 सिख। हवालदार ईश्वर सिंह दी अगवाई दे हेठ जूझे लड़े ते अखीर नूं 7 घंटियां दी लड़ाई तों बाद शहादत दा जाम पी गए। सत श्री अकाल, पंजाब न्यूज़ देख रहे हो ते मैं हाँ सुखबीर सिंह चैणा। दर्शको, दुनिया दियां सब तो जिहड़ियां महान जंगा ने उन्हां दे विच्चों सिखां दियां दो जंगा, चमकौर दी गढ़ी दी जंग ते दूसरा सारागढ़ी दी जंग, विशेष तौर दे उत्ते सब तो मोहरी ने। सारागढ़ी दी जंग ओ महान जंग है जिस जंग दे विच केवल 21 सिखां ने 10,000 तो वध पश्तून अफरीदी पठाणा का मुकाबला किया। वो इलाका अफगानिस्तान ते पाकिस्तान दे बॉर्डर दा वो इलाका जिहड़ा इलाका अज तक कोई जित नहीं सकिया। पठाणा दियां वो फौजां जिन्हां फौजां नूं हराउणा अज तक भी किसी दे वस की गल नहीं। पर सिख 1897 नूं 12 सितंबर 1897 नूं गुलसिता लॉकहार्ट दे विचकार बनिया होया सी किला सारागढ़ी। उस दे विच केवल 21 सिखां ने किवें लोहे दे चने चबाए 10,000 अफरीदी पश्तून अफगानियां नूं, ओह इतिहास तुहाडे नाल सांझा करना है। ते अज असी खड़े हाँ फिरोजपुर की धरती ते गुरद्वारा सारागढ़ी साहब। ये वो स्थान है जिहड़ा इत्थों सैकड़े किलोमीटर दूर अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहद के उपर लोकाट जिले के सारागढ़ी की जंग हुई उन्हां दी याद विच बने है। इको एक गुरद्वारा है जिहड़ा पंजाब सरकार दे अधीन है, इहदा प्रबंध पंजाब सरकार दे अधीन है। ये क्यों ये भी आपां दसांगे की कारण है इन्नी दूर ये गुरद्वारा साहिब बनिया, की कारण है कि इको एक गुरद्वारा दुनिया दे विच जिहड़ा किसी अखबार दे चंदा मंगण तों बाद बनाया गया सी। इलाहाबाद दी अखबार सी पाईनार, पाईनार अखबार दे वल्लों चंदा मंग के इस गुरद्वारे की इमारत बनाई गई सी। सब कुछ आ तुहाडे नाल सांझा करांगे। आओ गुरद्वारा साहिब की इमारत उन्हां शहीदां की याद के उत्ते एक पंछी झात मारदे आ, उस तों बाद आपां अगली गल करांगे। दर्शको, गल उस समय की है जदों भारत बरतानिया राज के अधीन सी।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के उत्ते जिला है लोकाट। लोकाट जिले के उपर उस समय बरतानिया राज का कब्जा सी, जेड़ा उत्थों दे मूल निवासी पठाना नू अफगाना नू प्रवान नहीं सी। तीन थावां बनाईयां गईयां सन, एक पासे गुलस्तां किला सी, दूजे पासे किला लोकहाट सी, ते उहदे विचकार बनी हुई सी चौंकी सारागढ़ी। सारागढ़ी चौंकी दोनों किलियां दे विचकार आपसी संदेशां दे आदान प्रदान दे विच बिल्कुल विचकार दा काम करदी सी। अफगाना ने इतिहास कहिंदा है कि 12 सितंबर 1897 नूं सवेरे 8 बजे किले दे जो मुख संतरी सन, किले दे जो मुख पहरेदार सी गुरमुख सिंह, वह भज के अंदर आए। हवालदार ईशर सिंह जो उस समय कमांडिंग ऑफिसर सन, उन्हां नूं आ के सुनेहा दिता कि हज़ारां दी गिनती च पश्तून अफगानी अफरीदी पठान ने जिहड़े ओ सारागढ़ी चौंकी दे वल वधदे पए ने। हज़ारां अफगाना ने आके घेरा पा लिया। एक पासे किला गुलस्तान सी, दूजे पासे किला लोकहाट, पर दोनां दे विचकारली सारागढ़ी किला घिर गया और संदेश ना उधर जा सकिया ना बहुता आ सकिया। 8 बजे तो बाद आके अफगाना पश्तून अफरीदी पठाना ने किले दे उपर हमला कर दिता। दोस्तों 7 घंटे लगातार ये जंग चली। इस जंग दे विच एक पासे लगभग 10 तो 12 हज़ार पठान अफगानी सैनिक ते दूजे पासे केवल 21 सिख। हवालदार ईशर सिंह की अगवाई दे हेठ जूझे लड़े ते अखीर नू 7 घंटिया की लड़ाई तो बाद शहादत दा जाम पी गए। बरतानिया सरकार इस युद्ध के उपर बड़ा माण करती रही। जदों इस जंग की खबर ब्रिटेन तक पहुँची, उत्थों दियां वड्डियां वड्डियां अखबारां ने पहले पन्ने दे उपर सिखां दी बहादरी दी गाथा नूं बयान किया। पार्लीमेंट ब्रिटानिया दी पार्लीमेंट दे विच 21 सिखां दे नां दे उत्ते द ऑनर ऑफ द मैरिट नाम दा विशेष तौर दे सन्मान सी जिहड़ा उह दित्ता गया, जिहड़ा कि उस समय दे विक्टोरिया क्रॉस ते भारत दे परमवीर चक्कर दे बराबर दा सन्मान सी। सिखां दी प्रशंसा चारे पासे होई। अज भी जेकर फ्रांस की गल करिए ते फ्रांस दे प्राइमरी स्कूल दे विच सारागढ़ी दी जंग सिखां दी बहादुरी दी जंग नूं पढ़ाया जांदा है। कनेडा और अमरीका दे विच वड्डे वड्डे दिहाड़े मनाए जांदे ने। पिछले दिनों दे विच अकाल तख्त जथेदार कनेडा गए, उत्थे सवालदार ईशर सिंह दा बहुत एक आदम कद बुत सी जिहड़ा ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਦਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਾਇਨਾਰ। ਪਾਇਨਾਰ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1897 ਦੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਪਾਇਨਾਰ ਅਖਬਾਰ ਜੋ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2-2, 3-3 ਆਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
और लगभग 27,118 रुपये उस समय दे इस इमारत बनाउण दा चंदा इकट्ठा होया। और पाइनार अखबार इलाहाबाद द्वारा प्रबंध करने के बाद ये इमारत बनाई गई विलखण इमारत, जिथे ये इमारत साजी का एक बा कमाल नमूना है। कई तरह तो सारागढ़ी के शहीदों की याद ये इमारत विलखण उदाहरण पेश करती है। ये इको एक इमारत है जिहड़ी सरकार दे वल्लों प्रबंध हेठ है, इको एक इमारत है जिहड़ी किसी अखबार दे वल्लों चंदा मंगण चंदा इकट्ठा करन तो बाद तैयार की गई। और इको एक इमारत है जिहड़ी अपने शहीदों की याद विच बनी, पर वो शहीद इत्थों सैकड़े कोहां सैकड़े मील दूर शहीद होए। उहदा कारण एक होर भी मन्निया जांदा है, कहा जाता है, असी तुहानू ओ तस्वीरां भी दिखा दिंदे आ शहीदां दीआं। कहा जाता है कि जिहड़े ये शहीद सन इन्हां विच्चों बहुतांत शहीद सन जिहड़े ओ फिरोजपुर जां इस दे आसे पासे दे इलाके दे सन। अमृतसर साहिब दे विच भी एक इमारत बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े इमारत ये शहीद सन सूरबीर योधे ये अमृतसर माझे दे इलाके दे भी सन। उस समय जिहड़ा ये एरिया सी फिरोजपुर दा ये फरीदकोट रियासत दे विच आउंदा सी, इस करके इत्थों फरीदकोट दे महाराजे ने भी इस इमारत नूं बनाउण दे विच अपना काफ़ी हिस्सा पाया। सो आ तुसी तस्वीरां देख रहे हो, ये तस्वीरां उन्हां शहीदां दीआं ने जिन्हां ने दुनिया की सब तो असावी जंग लड़ी, ओ जंग जिहड़ी ना कदे पहलां होई ते ना उस तों बाद विच होई। ए ओ जंग है जिस जंग दे नाल दुनिया भर दे विच सिखां दी चर्चा होई सी। अज तुहानू असीं ये शहीद तस्वीरां दिखा रहे हां, नाल ओ इमारत दिखा रहे हां जिहड़ी इमारत इन्हां शहीदां दी याद विच बनी होई है। कदे फिरोजपुर आओ, इस अस्थान दे उत्ते आओ और इस इमारत दे दर्शन जरूर करके जाओ, जिहड़ी साढ़े इतिहास दा एक बहुत वड्डा माण है। दर्शको, केसरी फिल्म आई सी अक्षय कुमार दी जिहड़ी कि दुनिया भर च हिट होई, पर असी केवल उस फिल्म दे राहीं इतिहास देखिया, इतिहास नूं वाचिया ते चुप करके घरां विच बह गए। पर ओ इतिहास दी बनी हुई यादगार उत्ते जा के कदे शीश झुकाउण दा यतन नहीं कीता। अपने बच्चों समेत आओ, इस अस्थान दे उत्ते आओ, ये साढ़े शाना मत्ते इतिहास नूं चेता करवाउंदी ये इमारत, ये गुरु घर फिरोजपुर विखे बनिया होया है। जदों भी कदे आओ दर्शन जरूर करके जाओ। मैं पंजाब न्यूज़ लई सुखबीर सिंह चैणा फिरोजपुर तों, धन्नवाद।